हेलो जी, तो कैसे हैं आप लोग? आइए आपको ले चलूँ आज करीरी लेक। आपको अगर याद होगा तो ये मेरा दूसरा वीडियो होगा करीरी लेक का। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो इसे पूरा नहीं कर पाया था, आज इसे ही पूरा करने निकल गया हूँ अपने कुछ चंद दोस्तों के साथ। अभी के लिए हम जा रहे हैं मेरे घर हमीरपुर से होस्टलर करीरी की तरफ, जो कि होगा नियर अबाउट 120 किलोमीटर्स। एक नई शुरुआत। कुछ पुराने लोगों के साथ वही पुरानी सड़क, वही वादी, और वही पुराना। आज निकल गया हूं फिर से उसी अधूरे ट्रैक को पूरा करने। जी तो वीडियो की पेस को थोड़ा सा ज़्यादा किया जाए, अब क्या बोलते हैं आप लोग? तो जी, हमने ये ट्रैक सुबह 8 बजे शुरू कर दिया था नीचे पुल से, और कल रात हुई यहाँ भारी भरकम बारिश ने ये एहसास तो करवा दिया था कि ऊपर स्नो मिलना तो लगभग तय ही है। नीचे रास्ते से जाते टाइम ये साइड में पड़ी स्नो देख के लग तो रहा था मुझे कि कहीं फिर से वही इशू ना हो जाए लास्ट टाइम जो हुआ था मेरे साथ इस ट्रैक पर। नीज तक स्नो पड़ने के चांस वैसे सच्ची बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा थे आज, क्योंकि कल रात ही इतनी बारिश और स्नोफॉल हुई है यहाँ। बट चलो, हम निकल गए फिर से आगे इस ट्रैक पे, भरोसा करके एक दूसरे पे कि जो होगा देखा जाएगा। मेंस लॉजिक, मोस्टली काम ही हम ऐसे ही कर लेते हैं हम लोग, जो होगा देखा जाएगा। जी तो आप सब लोगों का ही ध्यान खींचना चाहूंगा मैं ये बुरांस के फूलों से लदे इन पेड़ों पे। वो नीचे वाली नदी क्रॉस करते ही ये बुरांस के फूल आपका स्वागत करेंगे इस ऊपर वाले जंगल में। इस ग्रीन वैली के साथ ही फूलों से बना हसीन लाल नज़ारा, कॉम्बिनेशन ऐसा है कि ये वीडियो भी जस्टिफाई नहीं कर सकती इसे। तो इसे अपनी आंखों से देखने के लिए इस करीरी का प्लान जल्दी ही बना लीजिएगा आप लोग। नीचे पड़ी छुटपुट स्नो को देख के एक्साइटमेंट तो उतनी ही हो रही थी, और जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं मैं नोटिस कर रहा हूँ कि अब हल्की हल्की स्नो पड़ना शुरू हो चुकी है। मेरे फरवरी के इस ट्रैक के टाइम इसी जगह पे शूज़ तक पूरे भर जा रहे थे स्नो से। चलो ये तो अच्छा हुआ कि लगभग अप्रैल आते आते ये आधा रास्ता तो एकदम साफ मिला मुझे, और लगे हाथ काफ़ी और लोग भी मिले मुझे इस ट्रैक पे जो पिछले दिन ही आए हुए थे इस ट्रैक को करने और ऊपर लेक के पास ही रुके थे। उनसे बात करते टाइम ही उन्होंने बताया कि हम लोग को थोड़ा स्पीड और ज़्यादा करनी पड़ेगी, वरना वहीं रुकने का प्रोग्राम बना लिया जाएगा। ये छोटे छोटे पानी के नाले इस पूरी वैली में साथ मिलके एक प्रॉपर नदी का रूप ले रहे हैं। इस पूरे ट्रैक पे ही आपको ये नदी, जिसका नाम है नियुंद रिवर, पूरा साथ निभाती दिखेगी। एकदम फ्रेश क्रिस्टल क्लियर पानी आप आराम से भर सकते हैं अपनी बॉटल्स में, अगर कहीं ख़त्म हो जा रहा है आपका तो। साथ ही साथ खाने के लिए प्रॉपर छोटे नुक्कड़ या शॉप्स मिल जाएंगे आपको इस पूरे ट्रैक पे ही। लास्ट टाइम मैं आया था तो गिन के सिर्फ 2 शॉप्स खुली हुई थी, बट हाँ मैं आया भी सिर्फ आधे रास्ते तक ही था, तो आज का ये ट्रैक उस आधे रास्ते से आगे का एक्सप्लोरेशन ट्रिप होगा। मेरे साथ मेरे 4 दोस्त भी आए हुए हैं दिल्ली से,
ये चैनल स्टार्ट करने से पहले मैं इन्हीं के साथ ही ट्रैक्स पे जाया करता था, हिमाचल, उत्तराखंड और कश्मीर में। आज काफ़ी बार उन्हीं पुरानी पिक्स और वीडियोस को देखता हूँ और सोचता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल मुझे बहुत पहले खोल लेना चाहिए था। बट चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अपनी पुरानी ट्रैक की वीडियोस के फ्लैशबैक्स आ रहे हैं ऐसे इस पुल पे ऐसे निकलते हुए। मुझे सच्ची बोलूं तो बिना स्नो के ये जगह एकदम खाली खाली लग रही है। बताना चाहूँगा, ये अभी हम आधे रास्ते तक आए हैं करेरी लेक के ट्रैक के। लास्ट टाइम वाली वीडियो में मैं यहीं से वापस हो गया था। क्यों और कैसे, उसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। अप्रैल के बाद का मौसम इस ट्रैक को करने के लिए सबसे फेवरेबल माना जाता है, और अगर अपने टेंट्स और खाने पीने का साथ में लेके आ रहे हैं तो और भी बढ़िया। सोच तो सच्ची मैं भी रहा हूँ कि अपने सोलो ट्रिप्स के लिए मुझे काफ़ी बार हॉस्टल्स, होटल्स, होम स्टेज ढूंढने पड़ते हैं। उन सब का एक ही सोल्यूशन है, अपने टेंट्स। बट हाँ, खाना पीना कैसे होगा और ऊपर पहाड़ों पर, ये चीज़ पे क्वेश्चन अभी भी बना हुआ है मेरा, क्योंकि खाना बनाना और उसके सामान कैरी करने का एक अलग ही टास्क हो जाता है। बट इफ यू गाइस हैव एनी सॉल्यूशन, एनी सजेशंस, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। है क्या इन पहाड़ों में ऐसा, क्या ढूंढने आ जाता हूं मैं हर बार इन पहाड़ों पे? क्यों कुछ टाइम के बाद फिर से मन कर जाता है मेरा इन पहाड़ों पे चढ़ने का? सॉलेस, शरीर, ट्रैंक्विलिटी, जी। तो वापस आता हूँ इस ट्रैक पे और अपनी इस रियलिटी में। वो स्टील का पुल जो कि माइलस्टोन है आधे रास्ते का, उसके जस्ट बाद इस पूरे वैली के तेवर बदल गए सच्ची। जहाँ नीचे तक स्नो दिख भी नहीं रही थी, अब उससे उल्टा हो चुका है पूरा। उस पुल को क्रॉस करते ही और कोई 500-600 मीटर चलते ही स्नो से भर गई थी पूरी जगह। अब बिल्कुल मुझे मेरे फेब्रवरी वाले ट्रैक का एहसास करवा रही थी ये वैली। उस टाइम भी स्टार्ट मेरा ट्रैक कुछ ऐसा ही हुआ था। बताना चाहूँगा, इसके आगे काफ़ी इंक्लाइंड है ये ट्रैक, तो अब बॉडी और सांस थोड़ा थोड़ा जवाब देना शुरू कर देगी। और हाँ, ये तो स्टार्टिंग में बताना भूल ही गया था कि ये ट्रैक होगा नियर अबाउट 10 किलोमीटर्स वन साइडेड और टोटल 20 किलोमीटर्स इन अ डे। वैसे आप अगर ये ट्रैक अप्रैल के बाद प्लान कर रहे हैं तो ऊपर लेक के पास टेंट्स और रहने का पूरा बंदोबस्त होता है, तो आप इस पूरे ट्रैक को 2 दिन में भी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा आप 2 दिन ही लगाएं इस ट्रैक के लिए। गुजारिश ये भी रहेगी आप लोगों से कि थोड़ा वॉक या बॉडी फिट रखने के लिए ट्रैक से पहले कुछ ज़रूर करके आइएगा। कोई छोटा 4-5 किलोमीटर का ट्रैक हो तो समझ भी आता है कि चलो बॉडी एडजस्ट कर लेती है इतने से, बट जहां बात 20 किलोमीटर्स की हो तो उसके लिए थोड़ा फिटनेस होना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। बाकी ये ट्रैक प्रॉपर ब्रेक्स और प्रॉपर खाने पीने के साथ चलता रहे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पहुँच गए आप ऊपर लेक पे, बशर्ते कि ब्रेक्स थोड़े छोटे हों।
जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डेस्टिनेशन। जी तो चलिए अलविदा बोलना चाहूंगा करेरी लेक से मैं आज के लिए। आपको मेरे और मेरे दोस्तों के साथ ये करेरी का सफर करके कैसा लगा मुझे नीचे प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी वीडियो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना, और बहुत ही अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी इसे जरूर शेयर करना। सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर बेशकीमती टाइम विद मी। पीस आउट।